शंकर माथा कृषि उत्थान फाउंडेशन से आज मैं आया हूँ जोहना फॉल के नज़दीक में कोनारडी गांव है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के किसान हैं जिनको मैं जीवामृत बनाने और साथ में अमृत जल बनाने सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन तरह का ड्रम आप देख रहे होंगे, जिसमें इन दोनों ड्रम में 30-30 लीटर का पानी है और एक ड्रम में हमने 200 लीटर पानी लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोबर का घोल इस पे बनाएंगे। इस घोल को हम डंडे के सहायता से मिला लेंगे। कितना किलो गोबर डाले? ये लगभग 30 लीटर पानी है और इसमें हमने लगभग अंदाजन 10 केजी गोबर डाला है, जो देसी गाय का गोबर है, जो आज ही सुबह में इसको कलेक्ट किया गया है। अभी इसमें क्या डाल रहे हैं? इसमें हम देसी गाय का गोमूत्र डाल रहे हैं। अब गोबर गोमूत्र को इस तरह से डंडे के सहायता से हम इसको मिला लेंगे। बोलिए इसमें क्या मिला रहे हैं अभी? 2 किलो गुड़ है, इसको हमने पानी में घोल लिया है कि मिलाने में इसमें आसानी हो। तो अब इसमें हम अब 2 केजी गुड़ मिलाएंगे। ये हमने चना का बेसन है, चना का बेसन, ये चना दाल का बेसन हमने लिया है जो 2 केजी है और इसको भी पानी में डाल के हमने इसका घोल बना लिया है ताकि ये मिलने में आसानी हो। बेसन मटर का बेसन छोड़ के आप किसी भी तरह का कोई भी दाल का बेसन ले सकते हैं, जैसे चना दाल हो गया, मटर दाल हो गया, मटर को छोड़ के जैसे मूंग हो गया, मसूर हो गया, कोई भी दाल आप इसमें ले सकते हैं। दाल से क्या होता है कि इसमें प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाता है, दाल में प्रोटीन होता है तो ये जो खाद में है ना प्रोटीन ज्यादा हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको दाल भी मिला रहे हैं। मिलाइए और बर्गर उसे जड़ के पास से लिए थे ना। हाँ ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये बरगद के पेड़ के नीचे का मट्टी है। बरगद का जो पेड़ होता है इसका लंबाई होता है, तो बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं इस मट्टी में हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवाणु इसमें जो हमने जो कल्चर तैयार कर रहे हैं उसको कई हजार गुना बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इसका 1 ग्राम का अगर हम लेना चाहें, 1 ग्राम मात्रा में लगभग 20 करोड़ जीवाणु होता है 1 ग्राम में। तो अब हम बताइए कि हम ये 200 लीटर अगर बना रहे हैं तो कितना अरब खरब में बना रहे हैं, और उतना हमारे लिए जो सिपाही है खेत में हमारे अनाज में या सब्जी में वो काम करेगा। ठीक है, तो ये अब हम इसमें लगभग 2 मुट्ठी बरगद के पेड़ के नीचे का मिट्टी डाल रहे हैं। मिलाइए थोड़ा सा ले लीजिए। हम इसमें क्या क्या मिला लिए, हम गोबर, गोमूत्र, बेसन, गुड़ और बरगद का करना है। जैसे अभी हमने एक बार दोपहर में, एक बार शाम में, 3 बार इसको इस डंटा के माध्यम से कोई भी घर का कोई भी सदस्य 15-20 बार उल्टा उल्टा दिशा में और फिर 20 बार सीधा दिशा में इस तरह से घुमाएगा 3 दिन के बाद, 3 से 4 दिन। ठीक है, 72 घंटा से के बाद ये मेरा कल्चर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें अब हम पूरा जितना बना हुआ है इसका 33 गुना पानी मिला लेते हैं।
अगर ये 30 लीटर बना हुआ है ठीक है, और गोबर गोमूत्र मिला के ये लगभग 50 लीटर जैसा हो गया हमारा, है ना। तो 50 लीटर में 30 गुना मतलब 1500, मतलब 2-3 ड्रम हम पानी मिला के, या तो जब फसल लगाएंगे उसमें पानी जब देंगे तो उसमें मग मग डाल सकते हैं, या यहाँ पे एक नल छोटा सा लगा देंगे पाइप और वहीं पे ड्रम को रख देंगे, तो धीरे धीरे खोलेंगे दो पानी बहेगा उसके साथ, पानी के साथ वो बहता जाएगा, वो भी ये कर सकते हैं। नहीं तो इसको पानी मिला के छान लेंगे, चूंकि इसमें बहुत सारा डस्ट वस्ट है, उसको छान लेंगे कि कपड़ा के माध्यम से, और स्प्रे मशीन में डाल के और पूरे फसल में स्प्रे करेंगे। स्प्रे हमेशा हम 15-15 दिन में एक बार करेंगे ठीक है, और पानी जब हम लगाएंगे तब पानी के साथ इसको देना है, मतलब ये खाद स्प्रे के रूप में भी जाएगा और पानी के साथ जड़ में भी जाएगा ठीक है। और इस जीवामृत घोल को आप पेड़ पौधा फल सब्जी धान गेहूं आलू किसी चीज में भी डाल सकते हैं, जो भी अनाज फसल फल हो सारे चीज में ये जीवामृत का हम लोग यूज करते हैं ठीक है। गुड़ का काम होता है, जो जीवाणु होता है उसका खाना होता है वो गुड़ ठीक है, वो गुड़ उसका खाना होता है, तो अपने अपना जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ा के और इसको फर्मेंटेशन करता है, मतलब इसको चेंज कर देता है खाद में ठीक है। क्योंकि पेड़ पौधा डायरेक्ट कोई चीज नहीं ले पाता है, उसको ऐसा उसके फॉर्म में चाहिए कि वो निगल सके, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है जी आंख से दिखेगा नहीं, लेकिन उसको भी खाना चाहिए, तो इसको उसी रूप में कर देंगे जिसमें वो खा सके ठीक है। लेकिन शर्त यही है, इसको जब यूज करेंगे या जिस खेत में यूज करेंगे उसमें कभी भी रासायनिक खाद नहीं देना है ठीक है। लोग का कहता है वो तुरंत रिजल्ट देता है, लेकिन ये हमेशा के लिए देता है ठीक है, अगर 5 साल नहीं भी दे पाएंगे और 1 साल देंगे तो भी उस जमीन में जान रहेगा, जबकि यूरिया डीएपी नहीं देंगे तो वो बस वो तत्कालिक फायदा है ये। और इसमें जो सब्जी उगेगा वो स्वादिष्ट भी होता है, उसमें चमक भी ज्यादा होता है ठीक है। कोई भी पौधा को चाहिए 16 तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, 16 तरह का खाद चाहिए होता है ठीक है, और गोमूत्र में अकेले 27 तरह का खाद होता है, तो हम गोमूत्र इसमें मिलाए हैं ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, जैसे हम ट्रैक्टर या ट्रॉली भर भर के खेत में डालते हैं तो हमको उतना गोबर चाहिए, और ये चाहिए प्रति एकड़ लगभग 6000 लीटर ठीक है प्रति एकड़। तो मान ले अगर हम कितना ड्रम बनाएंगे कि 6000 पूरे साल भर में ठीक है, तो हर 3-3 महीना का फसल होता है या 4 महीना का है ना, तो 2000 एक 3 महीना के फसल में, तो ये 250 लीटर का ये टंकी है ना, तो 3 से 4 बार बनाएंगे तो 2000 हो जाएगा, 8 बार में 2000 हो जाएगा है ना, तो बस 8 ड्रम डाल के निश्चिंत रह जाना है पूरा फसल में ठीक है। अब 8 ड्रम डालने के लिए अब 3 महीना है, तो कभी भी पौधा जब इतना बड़ा साइज हो जाए उस समय इसको स्प्रे करेंगे ठीक है, लेकिन जड़ में हम पहले भी दे सकते हैं, जब भी पानी लगाएंगे दे देंगे ठीक है। और तो ये हमारा जीवामृत बन के तैयार हो गया है ठीक है, और ये अगले 1 सप्ताह के बाद, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी ये बन जाए तो इसको 7 से 10 दिन के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए, 7 से 10 दिन हाँ, और इस बीच में हिलाना नहीं छोड़ना, ये जो है ना ऐसे ही हिलाएंगे तभी इसमें ऑक्सीजन घूमेगा जो जीवाणु, नहीं तो ये इसमें कीड़ा फिर हो जाएगा, फिर वो खाद नहीं रहा। मछली को जैसे जिंदा रखने के लिए स्पॉन को हिलाना पड़ता है ठीक है, उसी तरह से इसमें भी जो जीव रहेगा उसको जिंदा रखने के लिए आपको ये डंडा हिलाना पड़ेगा सुबह शाम।